दोस्तों आईसीसी ने बदल दिया पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होने वाले फाइनल मुकाबले का समय। अब इस तारीख को और इतने बजे से खेला जाएगा पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान टीम के फैन, चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम करे, वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 को एक मुकाबले के बाद अपना विजेता मिल जाएगा। यहाँ पे फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड ने क्वालिफाई किया है। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हमें हाई वोल्टेज मुकाबला देखते हुए नजर आएगा। दोनों ही टीमें T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के लिए पूरा जोर लगा देंगी। पाकिस्तान की टीम फिलहाल शानदार फॉर्म में चल रही है। खासकर मोहम्मद हैरिस को टीम में शामिल करने के बाद पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रोंग हो गई है, जो के पहले काफी कमजोर नजर आ रही थी। टीम पर कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने भी अपनी फॉर्म वापस ला ली है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में इन दोनों ने अपनी लय वापस कर ली है। ऐसे में फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड का पाकिस्तान को ना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान की टीम इस वर्ल्ड कप को हर हाल में हासिल करना चाहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने पिछले 13 सालों में अभी तक वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम नहीं किया है। ऐसे में पाकिस्तान की टीम हाथ में आए गए मौके को गंवाना नहीं चाहेगी। बात करें अगर पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच इस खेले जाने वाले मुकाबले के बारे में, आपको बता दें कि इस मुकाबले के दौरान 90% बारिश होने के अमकान है। ऐसे में 13 नवंबर को होने वाला ये मुकाबला बारिश की वजह से खराब भी हो सकता है। ऐसे में अगर 13 नवंबर को तेज बारिश की वजह से ये मुकाबला रद्द किया जाता है तो ये मुकाबला फिर 14 नवंबर को खेला जाएगा। हालांकि तब भी ये मुकाबला नहीं खेला जाता है, आईसीसी के नियमों के मुताबिक एक टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ये तो तय है 13 नवंबर को तेज बारिश का इम्कान है, इसलिए मैच के वक्त में काफी बदलाव भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।